A square lamina is subjected to a square lamina is subjected to the forces as shown in figure. The forces as shown in figure. Calculate the magnitude of force P1 and P2. In such a way that resultant of magnitude will be horizontal force and passing through E point. गाइस कोई भी बीच में लेफ्ट मत करो, अगर किसी ने भी लेफ्ट किया तो दूसरे के लिए व्हाइट स्क्रीन आ जाती है, तो आप लेफ्ट मत करो. ओके बीच में लेफ्ट मत करो, लास्ट में ही डायरेक्टली लेफ्ट करते जाओ. लास्ट में यानी जब क्लास खत्म हो जाएगा तभी. ओके गाइस, सो ये आपका 4 मीटर बाय 4 मीटर यानी 4 बाय 4 यूनिट. मीटर भी नहीं देखे रहा तो आप कंसिडर कर सकते कि 4 बाय 4 का आपका एक बॉक्स है, तो उसी के हिसाब से आपके पूरे बॉक्सेस हैं. ओके
और P2 देखिए गाइस, P1 और P2 निकालना है और P3 आपका देखे है 1580 न्यूटन, और आपको E पॉइंट कुछ तो भी यहां पे देखिए, दैट इज योर E पॉइंट, यहां पे आपको एक R देखिए, यहां पे आपको एक R, इट इज नथिंग बट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल E पे देखिए, यानी कहां पे यहां पे आने को ना आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पॉइंट आपको देखिए, यानी उसका आपको पोजीशन देखिए, रिजल्टेंट का पोजीशन देखिए, मैग्नीट्यूड वी कैन फाइंड, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन रिजोल्यूशन कर लेंगे टोटली, है ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, उससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा एक्स का और वाई का, और इससे अपने को खाई का ये मिल जाएगा कि रिजल्टेंट समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल समेशन ऑफ वर्टिकल्स अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट। तो वहां से अपने को एक रिजल्टेंट का और वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अपने को एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन से वो एक रिलेशन रहेगा मेरा और एक मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है आपका, मैग्नीट्यूड आपका वहां यानी आपका मैग्नीट्यूड का रिलेशन और एक आपका पोजीशन का रिलेशन, पोजीशन आपका क्या है यहाँ पे, पोजीशन जो भी है यहाँ पे वो पोजीशन में आपका हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में कब रहेगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो कब रहेगा, टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जब हम करेंगे तो टैन इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी टैन जीरो कहाँ पे रहता, tan 0 कहां पे रहता गाइस, tan 0 कहां पे रहता, 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल, 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे tan 0 रहेगा, 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जब अपन करेंगे, अपोजिट मेरा जीरो और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट जीरो रहेगा या अपोजिट जीरो रहेगा, एडजेसेंट जीरो रहेगा, अपोजिट जीरो रहेगा, यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या देखिए, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या देखिए गाइस, जीरो देखिए। ओके ओके सो देखो सबसे पहले हम पूरे के पूरे थीटा निकाल लेते हैं। ओके दैट इज अवर थीटा वन, ये अपना हमारा थीटा टू, यहां से अपन थीटा टू निकाल लेते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल से, सभी हम हॉरिजॉन्टल से ही ले रहे हैं, ये थीटा टू इज इक्वल टू, ये भी थीटा टू रह सकता क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ही अपोजिट एंगल सेम रहेगा। ओके दैट इज अवर थीटा थ्री, थ्री फोर्स के लिए, सो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री तीनों आप निकाल लो, किस तरह निकालोगे, ये 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर हो गया, ये 4 मीटर, दिस इज 8 मीटर और 6 मीटर यानी 4 मीटर, तो टैन इनवर्स थीटा, सबसे पहले थीटा वन के लिए निकालते, तो थीटा वन के लिए दैट 4 4 4 और ये 4 और ये 4 यानी कितना हो गया आपका 8 और ए 4 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन इनवर्स अपोजिट अपोजिट इट इज गाइस 12 डिवाइड बाय 8 थीटा के लिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 4 प्लस 4 8 हो गया, और ये 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो इसका अपोजिट 12 डिवाइड बाय 4। ओके थीटा 1, व्हाट इज थीटा 2 सोल्यूशन गाइस, टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट अपोजिट, अगर इसका अपोजिट लेते तो 4 अपॉन ये रहेगा क्या बोलते हैं अपन 8, और यहां से भी लेते तो भी ये 4 अपॉन 12, सो टैन इनवर्स 4 बाय 8 एंड थीटा 3, थीटा 3 इज इक्वल टू दैट इज 4 एंड दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 इट इज 12, tan inverse 12 डिवाइड बाय 4, बताओ गाइस तीनों थीटा
we need 3 thetas. How much? 56. Sir, 56.31 degree. 30.56 degree. So, यहां से अगर मैं देखूंगा तो दैट इज एक्स कंपोनेंट दैट इज वाई कंपोनेंट. सो एक्स कंपोनेंट के लिए अभी मुझे अगर थीटा चाहिए तो मेरा ये एक्स से थीटा रहेगा क्योंकि ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 रहेगा. ओके तो पी टू कॉस थीटा 2 पी टू साइन थीटा 2 क्योंकि ये थीटा 2 ले रहे हैं ना आप तो इसलिए ये अपोजिट एंगल के लिए साइन एडजेसेंट एंगल के लिए कॉस. Okay, next. That is again same. अब मेरा ये theta 1 है तो obviously this is again theta 1. So that's why P1 cos theta 1. P1 sin theta 1. ऊपर का दिख रहा है क्या guys? It is visible. This one? Yes, okay, okay. Next, यहाँ पे horizontal और यहाँ पे vertical. P3 is equals to 1580. अब ये theta 3 है, तो ये theta 3 रहेगा. तो ये कितना रहेगा P3 cos 15 यानी cos theta 3 P3 sin theta 3 तो इसकी वैल्यूज बता दो. अब कंपोनेंट्स लिख सकते हैं फोर्स कंपोनेंट्स लिख सकते हैं आप. ओके फोर्स कंपोनेंट लिख सकते हैं फोर्सेस एक्स कंपोनेंट y component force p1 p1 cos theta 1 कितना है 56.31 degree p1 sin 56.31 degree तो बताओ गाइस यहां पे कितना था और ये दोनों पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव तो ये फर्स्ट जोन में आ रहा है फर्स्ट जोन में आ रहा है ये वाला कौन से जोन में आ रहा है सेकंड जोन में आ रहा है दैट इज थर्ड जोन में मेरा कौन सा आ रहा वो भी मेरा फोर्थ जोन में थर्ड जोन में मेरा कोई फोर्स नहीं आ रहा फोर्थ जोन में आया. ओके सो आपका ये पहला जो पी वन है पी वन आपका फर्स्ट जोन में है पी टू सेकंड जोन में. ओके ओके सो बताओ गाइस दोनों प्लस में है कितना रहेगा कॉस 0.5541 फोर पी वन ओके फोर पी वन ओके दिस वन 0.83
83P1 ओके P2, अब P2 क्या रहेगा मेरा, देखो P2 में X पॉजिटिव Y नेगेटिव, X पॉजिटिव रिजोल्यूशन में Y नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा इसलिए नेगेटिव, ओके सो P2 cos थीटा 2, थीटा 2 इट इज 26.56 डिग्री एंड माइनस P2 sin, माइनस क्यों लिखा मैंने डाउनवर्ड, माइनस वाई, दैट्स वाई माइनस साइन 26.56 डिग्री, हाउ मच दिस 0.89 P2 माइनस माइनस 0.44 P2 ओके नेक्स्ट 5 1, अब ये वाला मेरा कौन सा, फोर्थ डायरेक्शन में, फोर्थ डायरेक्शन में मेरा कॉस किधर जा रहा, कॉस कॉस कंपोनेंट मेरा माइनस पे जा रहा, माइनस एक्स, दैट्स व्हाई माइनस एक्स 1580 कॉस थर्ड इट इज 71.56 एंड साइन, अब ये वर्टिकल जा रहा, वर्टिकली अपवर्ड है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव 1580 अपवर्ड है इसीलिए पॉजिटिव लिया मैंने, अपवर्ड पॉजिटिव साइन 71.56 हाउ मच 499.77 माइनस माइनस 499.77 यानी 500 1498.87 ओके सबमिशन, तो सबमिशन अभी आपको सबमिशन यानी दो इक्वेशंस मिले, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ओके इससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, सो मैं सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए बोलता हूं, सबमिशन ऑफ एफएक्स इन तीनों का सबमिशन 0.554 P1 प्लस 0.89 P2 माइनस 499.77 द नेक्स्ट सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस FY इज इक्वल दिस 0.83 P1 माइनस 0.44 P2 प्लस 1498.87 नाउ आपको रिजल्टेंट देखे है हॉरिजॉन्टल, ओके रिजल्टेंट क्या देखे, ये आपके इक्वेशन हो गए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 गाइस, हियर इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस आपके पास है एंड वी हैव अ 3 अननोन्स, दो इक्वेशंस 3 अननोन, तो तीसरा इक्वेशन भी लगेगा, कुछ ना कुछ इक्वेशन लगेगा, तो सबसे पहले 3 अननोन्स मुझे फाइंड करना है क्योंकि P1 P2 एंड R, R इज आल्सो फाइंड, लेकिन R की एक कंडीशन देखिए है कि R कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है और E पे लाया है, तो उसका पोजीशन इज गिवन है, उसका पोजीशन क्या है आपको गिवन है, ओके तो पोजीशन गिवन है इसीलिए रिजल्टेंट रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट कब हॉरिजॉन्टल रहता, जब submission of fx is equals to r रहेगा, submission of fx is equals to r रहेगा तभी आपका resultant horizontal रहता है, ये अपन ने last class में देखा है, last class में देखा है submission of horizontal forces पे जब अपना submission of horizontal forces is equals to r कब रहेगा, जबकि जब मेरे पूरे के पूरे horizontal forces रहेंगे तब,
पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहेंगे, तब वर्टिकल फोर्सेस मेरा कोई भी नहीं है, वर्टिकल फोर्स मेरा टोटली जीरो है तब। ओके तब क्या रहेगा, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू टोटली जीरो, तभी मेरा रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मेरा हॉरिजॉन्टल रहेगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मेरा हॉरिजॉन्टल रहेगा, हियर इज आर गाइस, आर रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, देन सबमिशन ऑफ fx is equals to r, submission of fi is equals to 0. So guys, यहाँ पे मुझे ये मिल जाता है, submission of fi is equals to 0, ये तो equation मुझे मिल गया, और submission of fx is equals to r, ये भी मुझे मिल गया, okay? ये मैं यहाँ पे directly लिख सकता, okay, directly लिख सकता, तो directly लिख के मैं क्या करूँ, अभी इसको directly लिख के, मैं directly लिख के, P2 और P1 के terms में निकाल के भी मैं कर सकता, और मैं moment लेके भी कर सकता, मोमेंट लेके भी कर सकता। अब P1 इन टर्म्स ऑफ P2 अपन y इज इक्वल टू 0 से निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 से निकाल सकते हैं, कैन आई इरेज दिस गाइस, ये इरेज कर सकता मैं, ओके करता। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट करके क्या हो जाएगा, 0.83 P1 माइनस 0.44 P2 प्लस 1498.87। तो आप P1 को इधर ले लो या फिर P2 को ले लो, इन टर्म्स ऑफ P1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.44 P2 इज इक्वल टू 0.83 P1 प्लस 1498.87, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अगेन अगर जीरो है तो वाई, और अभी आर है तो अभी किस तरह निकालेंगे, ओके आर है तो अभी किस तरह निकालेंगे, ये एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ P2 P1 के टर्म्स में हो गया, लेकिन आपको उसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड बाय 0.44 आपको करना पड़ेगा, तभी आपका वो निकलेगा, डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ओके डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ठीक है देखते हैं उसको अभी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले P2 के टर्म्स में नहीं निकालते हुए डायरेक्टली अपन ये भी कर सकते, यानी ये टर्म में भी निकाल के अपन डायरेक्टली P1 फाइंड कर सकते, और इसको अपन डायरेक्टली इज इक्वल टू भी लिख सकते, यानी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू भी हो सकता है, ओके यानी और अपन ये भी कर सकते हैं कि P1 प्लस P2 जीरो है ना, तो 0.83 P1 माइनस 0.44 P2 इज इक्वल टू माइनस में चले जाएगा, क्योंकि उधर अगर गया तो 1498.87, ये भी आपका इक्वेशन 2 हो सकता है, ओके इक्वेशन 2 आपका हो सकता है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, अब वेरी सी वन मिनट, there is A point, there is B point, there is C point and there is D point. तो आप कोई भी point से ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंने C point से लिया तो मेरा P1 और P2 जो है वो origin वहां से ही हो रहा, यानी यहाँ से originate मैं कर सकता, तो मैं P1 मेरा zero कर सकता, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ P2 unknown रहेगा और R भी मेरा वो zero रहेगा। देखो कैसी जीरो रहेगा बताता, ये लिखा क्या आपने, ये लिख लिया क्या गाइस, ओके मैं इसको मिटाऊंगा, नहीं लिखा होगा तो लिख लो। आपका जब यहां से मैं अगर ले रहा तो यहां पे मेरा आर भी आ रहा, मेरा P1 भी आ रहा, तो दो अननोन्स मेरे जो है मोमेंट्स, अगर मैं लूंगा तो दो अननोन्स के लिए मोमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा सी पॉइंट, ओके सी पॉइंट पे देखो सी पॉइंट पे क्या क्या आ रहा, सी पॉइंट पे ये P1 भी आ रहा C पॉइंट पे और मेरा E भी आ रहा, E नहीं R,
P1 और R दोनों आ रहे हैं, तो दोनों पॉइंट जहां से स्टार्ट होने जहां पे है, जहां पे अपन डायरेक्टली ले सकते, तो वो पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, पॉइंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, दैट्स व्हाई यहां पे जो भी मोमेंट्स लगेंगे इन दोनों के आर के और पी के वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट से ही जा रहे करके। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट सी सी से अपन मोमेंट ले लेंगे इज इक्वल क्या नहीं, नहीं, नहीं। दूसरी जगह अगर अपन ने लेंगे, सपोज मैंने यहां पे ले लिया, तो आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, तो अगेन दो अननोन्स आएंगे, तो मुझे अननोन्स ही यानी रिड्यूस करने हैं, अननोन्स ही रिड्यूस करने हैं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, अननोन्स मुझे रिड्यूस करने हैं, इसीलिए मुझे मैंने अगर यहां से मोमेंट ले लिया तो मेरा ई यानी आर आर और पी वन ये तो जीरो हो गए, तो बचा क्या पी टू बचा, तो पी टू मेरा निकल जाएगा यहां से, पी टू मैं डायरेक्टली निकाल सकता सॉरी गाइस डायरेक्टली मैं क्या निकाल सकता पी टू निकाल सकता, ओके पी टू मेरा निकल जाएगा कैसे अगर मैंने यहां से मोमेंट लिया तो। ओके टेकिंग मोमेंट अबाउट एट सी इज इक्वल टू समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट आर एट सी, आर एट सी, तो आर एट सी टू जीरो रहेगा, आर एट सी क्या रहेगा जीरो रहेगा, क्योंकि उस पर कोई डिस्टेंस नहीं है। तो पी के लिए गाइस, अब यहां पे पी साइन थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, पी कॉस थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी कॉस थीटा के लिए देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 16, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 16, यहां से अगर अपन देख रहे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का के लिए मिल रहा आपका पी कॉस थीटा के लिए मिल रहा, पी टू का साइन थीटा के लिए मिल रहा क्या, नहीं, पी टू साइन थीटा कहां पे जाके मिल रहा आपका सी पॉइंट पे ही जाके मिल रहा, डायरेक्टली कहां पे जाके मिल रहा सी पॉइंट पे ही जाके मिल रहा, पी टू क्या है पैरेलल है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है सी और बी के बीच में 16 मीटर का डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई ये कैसे घुमाएगा 16 मीटर से पी टू को घुमाएगा, 16 मीटर से P2 को घुमाएगा, ओके P2 cos थीटा को, इसीलिए आपका क्या रहेगा P2 cos थीटा, P2 cos थीटा, थीटा कितना है 26 पॉइंट, आप यहां पे 26 पॉइंट, ये P2 cos थीटा की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं गाइस, ये वैल्यू है 0.89 P2, डायरेक्टली आप लिख सकते, तो मैं डायरेक्टली लिखता 0.89 P2, क्योंकि P2 cos थीटा की वैल्यू क्या है 0.89 P2 into 16। अब देखो, अब और एक चीज, यहां पे भी ये दो है मेरे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा P sin P3 sin थीटा का है, इसका है क्या P3 cos थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं, P3 cos थीटा भी मेरा कहां पे है C पे ही ओरिजिनेट हो रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P3 sin P3 cos थीटा के लिए नहीं है, काहे के लिए P3 sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 4 4 एंड 4 यानी 16, ओके 16। तो ये देखो ये कैसे जा रहा, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, इसलिए यहां पे मैं माइनस लिखूंगा, और यहां से अगर मैं ये देख रहा तो ये क्या कहा जा रहा मेरा क्लॉकवाइज जा रहा, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा प्लस, कैसे जा रहा गाइस क्लॉकवाइज जा रहा, सी से अगर अपन देख रहे तो P3 कैसे जा रहा क्लॉकवाइज जा रहा, ओके क्लॉकवाइज जा रहा, और ये कैसे जा रहा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, इसीलिए मैंने इसको P2 cos थीटा के लिए माइनस लिखा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ओके सो प्लस P3, P3 sin थीटा की वैल्यू क्या है, P3 sin थीटा की वैल्यू है 14 1498.87, सो 14 98.87 16 इज इक्वल टू R into 0, क्योंकि R का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या कुछ कुछ भी नहीं है, R into 0 इसलिए 0,
इसलिए ये जीरो रहेगा। अब यहां से पी टू मिल जाएगा। व्हाट इज पी टू गाइस, व्हाट इज पी टू? मैं बाकी के वैल्यूज लिख लेता तब तक, यानी बाकी के वैल्यूज क्या क्या है करके। 499.77 ओके बताओ गाइस व्हाट इज पी टू? पी टू मिल गया तो पी वन मिल जाता, खत्म। पी वन मिल गया तो आर मिल जाता, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन ही खत्म। व्हाट इज पी टू गाइस? 1684.12 ये बराबर है क्या? हाउ सर, पण माइनस मध्ये आहे ना, एवढा झाला माइनस मध्ये आहे का? नाही सर, प्लस मध्ये हा इकडे गेल्यावर प्लस होऊन जाईल ना रे, इकडे गेल्यावर हा प्लस होऊन जाईल ना, तर तिकडच्या स्क्रीन मध्ये बरोबर दिसत होते ते मायनस दिसलं ना। अच्छा अच्छा ठीक आहे ना, काय हरकत नाही। एनलार्ज करू का स्क्रीन? नाही असू द्या तेवढं। ओके ओके द नेक्स्ट नेक्स्ट पी वन, आता तुम्हाला माहिती आहे आर इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से पी टू तुमको अगर मिल गया है तो पी वन भी मिल जाएगा। कौन सी इक्वेशन से? ये इक्वेशन से, ये इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा? ये इक्वेशन पकड़ो या फिर ये इक्वेशन पकड़ो, कोई भी इक्वेशन पकड़ो, तो यहां से तुमको पी वन की वैल्यू मिल जाएगी, पी टू की वैल्यू अगर मिल गई है तो। तो गाइस सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, सो 0.83 पी वन माइनस 0.44 इंटू 1684.12 इज इक्वल्स टू माइनस 4198.83। हाउ पी वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आपका इधर फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाय 83 इधर अपन कर देंगे, यानी माइनस 1498.83 प्लस 0.44 इंटू 1684.12 डिवाइड बाय 0.83 दैट इज पी वन एंड द नेक्स्ट आर, आर इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0.554 पी वन प्लस 0.89 पी टू, पी टू इज इक्वल टू 1684.12 दैट इज आर। बताओ गाइस क्या रहेगा? सर पी वन नेगेटिव होता सर। हाँ चल देना नेगेटिव ही होता ना, ये होता नेगेटिव। नाइन वन जीरो एट माइनस 913.08 913.08 यानी डाउनवर्ड, यानी कंप्रेशन, कंप्रेसिव। मैंने टेंसाइल अज्यूम किया ना, मैंने क्या किया टेंसाइल अज्यूम किया, तो टेंसाइल ना होते हुए वो कंप्रेसिव, वो क्या है कंप्रेसिव है।
तो ये दोनों भी कॉम्प्रेसिव रहेंगे, फिर इसके कंपोनेंट भी कॉम्प्रेसिव रहेंगे। तो अभी वो माइनस क्यू है, अपन ने ये टेंसाइल किए करके ये है। अगर मैं इसको कॉम्प्रेसिव लिखता, डाउनवर्ड और कॉम्प्रेसिव लिखता, तो मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं कॉम्प्रेसिव लिखता तो 913.808, दैट इज माय कॉम्प्रेसिव, डाउनवर्ड और कॉम्प्रेसिव मैं इसके लिए लिखूंगा। क्या के लिए, मैं इसके लिए नहीं लिखूंगा, ये मेरा माइनस में जैसी है वैसे ही लिखूंगा, लेकिन डाउनवर्ड और कॉम्प्रेसिव अगर मैं बोलता, कंप्रेशन, कंप्रेशन में है फोर्स, तो ये मेरा प्लस वहां पे रहेगा, माइनस मेरा हट जाएगा। लेकिन अभी ये कैलकुलेशंस में मुझे माइनस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मैंने पूरे कैलकुलेशंस कौन से कंपोनेंट से किए, टेंसाइल के कंपोनेंट से किए। अगर कंप्रेसिव अगर आता तो कंप्रेसिव के कंपोनेंट्स किस तरह रहेंगे, इस तरह कंपोनेंट्स रहेंगे, यानी ये सपोज फोर्स इस तरह है तो इन दोनों के कंपोनेंट्स कुछ इस तरह कंपोनेंट्स आएंगे। अपन ऐसे किए क्या, नहीं अपन ने अपोजिट किए उसका, तो पूरा चेंज होगा। तो इसीलिए पूरा चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि assumption wrong है तो माइनस में वैल्यू आएंगे, assumption wrong माइनस में वैल्यू, तो माइनस में ही मैं यहाँ पे लूंगा माइनस 913.08, ओके, एंड ये प्लस में ही रहेंगी। तो अभी यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आर भी मिल जाएगा। व्हाट इज आर, 493.25 R on east, eastern side, ये north, east, south, west, तो eastern side। अगर negative आता था तो southern side, ये भी गलत assume किया था अपन ने, तो southern side में रहता था, southern नहीं sorry western side, वेस्टर्न साइड में रहता था, ईस्ट का अपोजिट वेस्टर्न साइड में रहता। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The resultant of four forces the resultant of four forces of which three are shown in figure 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 is सर एकदा रिपीट कर, हाँ हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस ऑफ विच थ्री, ऑफ विच थ्री शोन इन फिगर, ऑफ विच थ्री शोन इन फिगर, ऑफ विच थ्री शोन इन फिगर, of which three shown in figure is 520 newton, is 520 newton, is 520 newton, is 520 newton acting down to right acting down to right with the slope of, with the slope of, with the slope of, with the slope of 5 to 12 through 5 to 12 through point A, 5 to 12 through point A, through point A, 5 to 12 through point A. Through point A.
इफ पी इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, पी इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन एंड एफ इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, F is equals to 200 Newton. Determine the missing force. Sir, point A नंतर क्या है? Okay. Point A. If P is equals to 200 Newton, if 200 is 200, if P is equals to 200 Newton, and F is equals to 200 Newton. F is equals to 200 Newton. F is equals to 200 Newton. Determine the missing force. Determine the missing force. And its missing force T. Missing force T, guys, okay? T. And its and its intersect and its intersect with x, intersect with x. सर थोड़ा कैमरा तिकडे सर कौन बरं दिसत नाही आता कौन इकडे म्हणताय तू डायग्राम कडे हा डायग्राम कडचे म्हणजे लेफ्ट साइडचे दिसत नाही पुन्हा एवढा फरक हा ओके बाप रे हा पार्ट पूर्ण दिसत नाहीये का तुला नाही सर बाप रे बाप खतरनाक झाला ठीक आहे फुल स्क्रीन करून पण नाही होता ने हो सर फुल स्क्रीन दो मिनट सरको तो ओके तो आपका ये टी फोर्स आपको फाइंड करना है, T
की फोर्स आपको फाइंड करना है। रिजल्टेंट देखिए ए पे, रिजल्टेंट देखिए ए पे, ये इतना क्वेश्चन है आप, ये इतना क्वेश्चन आपको देखिए, दैट इज वन मीटर वन मीटर वन मीटर और वन वन यूनिट देखिए, वन 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 यूनिट। दिस यूनिट लेंथ आपका मीटर में भी हो सकता है, एमएम में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, काइफ से भी हो सकता है, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट इज इन एमएम, वी आर टेकिंग इट इज इन एमएम, एमएम में ही हम उसको लेंगे। ओके ओके गाइस, सो सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या रहेगा। ओके आता दिसतो का? सर ते 200 का आहे वाले तेने दिसून वाले 200 न्यूटन आहे। ठीक आहे सर, P इज इक्वल टू 200 न्यूटन आहे, P इज इक्वल टू 200 न्यूटन आहे गाइस। काय ब्लॅक स्क्रीन आली का? अमृत तू तर लिव्ह झालेला आहे, लिव्ह दिसतोय तू। हॅलो काय हॅलो, आवाज नाही येत तुझा, थोडीतरी लिव्ह केलेला आहे त्या कारण तुला ब्लॅक स्क्रीन आलेली आहे, किसी ने तो भी लीव किया है। आवाज पर नहीं आता है तुझे, बिल्कुल नहीं आता आवाज। ओके सर, मैं डबल ज्वाइन कर। हाँ ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखिए, रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस ऑफ विच थ्री आर शोन इन फिगर, रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस ऑफ विच थ्री आर शोन इन फिगर, विच आर द थ्री, दिस पी and this P, T is not given, T is not given, so तीन देखे हैं, T देखे नहीं है, यानी चार forces में से T का आपको निकालना है और बाकी जो भी है, बाकी आपके देखिए 1, 2, 3 forces are given, okay, वो आपको देखे, और resultant क्या देखे, 540 newton है acting downward, 540 newton acting downward, और 540 newton acting downward कैसी क्या, यानी फिर से रीड्रॉ करो सेम डायग्राम विद द स्मॉल स्केल, तो दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज अवर ए पॉइंट, सो ए पॉइंट का आपसे यहां पे आर देखे है, आर इज इक्वल्स टू व्हाट इज आर गाइस, आर इज इक्वल्स टू 540 न्यूटन, तो ये क्या देखे है, स्लोप इसका क्या देखे है, स्लोप डाउनवर्ड राइट साइड, डाउनवर्ड राइट साइड है, स्लोप इसका क्या देखे, स्लोप इसका देखे 5:12 थ्रू द ए पॉइंट, ए पॉइंट से आपका क्या देखे 5:12 देखे, अब 5:12 को आप क्या कर सकते हैं गाइस, 5:12 को आप थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब 5:12 यानी 5 वर्टिकल 12 हॉरिजॉन्टल, 5:12 ऐसी देखिए 5:12, तो आप ये थीटा निकाल सकते हैं 5:12 का, थीटा निकाल के आप ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, यानी इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हैं, यानी आर अगर मेरा ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बाय अगर करूंगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये थीटा मिल जाएगा, ये थीटा मिलेगा, यानी आपका यहां का थीटा मिलेगा, यानी इनडायरेक्टली दिस थीटा, इनडायरेक्टली दिस थीटा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5/12 भी आप कर सकते, यानी थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा फॉर आर इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाउ मच अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आता बरोबर आहे का अमृत, की ब्लॅक स्क्रीनच आहे, 22.61
ब्लॅक आहे सर माझ्यावर, मी दुसऱ्या डिवाइस ने केलं त्याच्यावर दिसत. ठीक आहे, किती गाइस? 22.61 that is 22.61 RS. So R, yani 540 cos 22.61, and here is 540 sin 22.61. इस तरह भी आप कर सकते. ओके, सो ये आपका एक R कंपोनेंट, R X कंपोनेंट मिल जाएगा और R Y कंपोनेंट मिल जाएगा. व्हाट इज R X कंपोनेंट? 498.49 बराबर है क्या ये 498.49? 540 है या 520 लिखा था मैंने? 520 है, 520 है. हाँ, 520 है, फिर से बताओ. इट इज 520. 199.91. Here is 199 ना? हाँ सर. ओके, 199.91. मेक इट 200 गाइस, डायरेक्टली 200 भी आप बोल सकते और रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. 199.91. दिस वन 480.03 0 to Newton. Okay, no issues. Okay, so now अभी क्या कर सकते कि अभी आपको R तो पता चल गया. Okay, R तो पता चल गया. अभी मुझे T की वैल्यू चाहिए. अब टी की वैल्यू चाहिए तो टी की वैल्यू आप इधर आप थीटा वन थीटा टू वगैरह निकाल के, पूरा निकाल के भी आप टी की वैल्यू निकाल सकते, टेकिंग मोमेंट अबाउट लेके भी निकाल सकते. ओके, तो आप ऐसी टी की वैल्यू फाइंड कर सकते, सबमिशन ऑफ एफएक्स करके भी आप टी की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते. सबमिशन ऑफ एफएक्स करके आप टी की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आपको हो जाएंगे. टी एक्स इज इक्वल टू, ओके, टी एक्स इज इक्वल टू आपको डायरेक्टली सबमिशन ऑफ एफएक्स की वैल्यू करके आपको डायरेक्टली फाइंड हो जाएंगी कि एक आपका टी एक्स क्या है और आपका एक टी वाई क्या है करके. गाइस वन मिनट, दस यहाँ पे और एडिट करो, एडिट करो कि आपका यहाँ से कहीं तो भी एक्स इंटरसेक्शन से, दैट एक्स इंटरसेक्शन से कहीं तो भी टी ऐसी है. ओके, टी इंक्लाइंड है और वो इंक्लिनेशन भी आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में ही एडिट करो. तो दैट इज टी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका टी एक्स, और ये क्या हो जाएगा ये कंपोनेंट, दैट इज टी वाई. तो टी एक्स और टी वाई सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सबमिशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू जीरो से अपन निकाल सकते हैं. ये एडिट करो क्वेश्चन में ही, इट इज टी, ये टी है, ये टी देके है और ये इंटरसेक्शन एक्स पे ही है. ये इंटरसेक्शन कहाँ पे है? एक्स पे ही है. ये जो एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, दिस एक्स पॉइंट. तो आपको ये x डिस्टेंस भी, ये O से x डिस्टेंस भी निकालना है कि O से x डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक रहेगा T का. तो आपका इंटरसेक्टिंग x पॉइंट पे ही, यानी x एक्सिस पे ही ये T है. ये T यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे है, ये भी निकालना है अपने को. और ये T की वैल्यू क्या है ये भी निकालना है. ओके, ये T की वैल्यू क्या है ये भी निकालना है. तो 101% निकल जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. देखते O से x डिस्टेंस पे, O से x डिस्टेंस पे है, ऐसे अपने को लेना. लेट लेट t राइट ऑफ O इन x मीटर इन विच TY is O and TX is right.
TY is upwarded and TX is right. TY is upward. Upward and TX is right, is on right. ओके राइट साइड आपको दिख रहा है. ओके राइट साइड और टी वाई आपका अपवर्ड दिख रहा है. तो सबसे पहले सबमिशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू, अगर अपन ने किया एफएक्स इज इक्वल टू जीरो, अपन ने किया इक्विलिब्रियम केस में अगर देख के सबमिशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू जीरो अगर अपन ने अप्लाई किया. सो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा आपका टी एक्स मिल जाएगा. अब fx is equal to zero करने के लिए सबसे पहले यहां का थीटा निकालना पड़ेगा गाइस. थीटा 1 निकालना पड़ेगा, बाकी तो कोई निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री में है और ये आपका डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल पे है. सो व्हाट इज थीटा 1? थीटा 1 इट इज इक्वल टू 45. व्हाई 45? नहीं 45 नहीं सॉरी 1 2 3 1 2 3 4. सो tan इनवर्स tan inverse opposite upon adjacent. बता tan inverse opposite upon adjacent 53.13 degree. P याने 200 cos 53.13 and 200 sin 53.13. okay, what is component guys? cos and sin component batao kya kya aa rahe. cos component 120 120 159.99 160 160. ओके, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में 120 प्लस 200 plus TX is equals to TX is equals to क्या रहेगा? TX is equals to TX is equals to guys. अब सब horizontal forces यही side के पकड़ रहे अपन, तो माइनस में निकलेगा. तो क्या निकलेगा आपका? माइनस में निकलेगा है ना 320 माइनस 320. वन मिनट गाइस. ये इसका भी कंपोनेंट है ना, इज इक्वल टू आर होना ना, सबमिशन ऑफ इज इक्वल टू आर एक्स होना. मैंने जीरो नहीं ले सकता, इज इक्वल टू आर एक्स लेना पड़ेगा. इज इक्वल टू आर एक्स. सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? आर एक्स रहेगा. तो आर एक्स क्या है आपका? 420. वन मिनट. आर एक्स इज इक्वल टू 480.02 क्योंकि जो भी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहेगा जब आपका रिजल्टेंट आया है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी सबमिशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू आपका क्या रहने को ना? आर रहने को ना. टोटल सबमिशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू आर. अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल का आर एक्स, वर्टिकल है तो वर्टिकल का आर वाई. आर वाई और आर क्या है? अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. ये आपका आर है. ओके, सो सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स है. अभी आर एक्स इज इक्वल टू 480.0 ये अपना है. अब 480 आने के लिए
कितना लगने का होना टीएक्स पॉजिटिव नेगेटिव गाइस 360 हो गया ये 360 माइनस कर दो 160.0 160 न्यूटन ही पकड़ लो दैट इज tx नेक्स्ट सबमिशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 0 नहीं रहेगा ry रहेगा गाइस ry इज इक्वल्स टू अगेन व्हाट इज ry अभी मेरा क्या आ रहा -200 दिस वन -200 बाद में +160 यहाँ का तो मुद्दा ही नहीं आता वाई है ही नहीं फिर यहाँ का माइनस अगेन आर वाई इज इक्वल टू और ये मेरा प्लस टी वाई पकड़ूंगा और आर वाई मेरा क्या है अभी दिस आर वाई इज इक्वल टू -199.91 यानी -200 बट टेक इट 199.91 What is TY guys? -159.91 Minus or plus? Minus. This is again minus minus. 159.91 पॉजिटिव में आएगा क्यों पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये अगर इधर चले गया मेरा तो -200 +160 हो गया तो माइनस में आ रहा हाँ सही बात है माइनस में आ रहा माइनस में आ रहा वन मिनट माइनस है यानी एज्यूम टी वाई डायरेक्शन इज रॉन्ग सो टी वाई 159.91 डाउनवर्ड डाउनवर्ड है यानी क्या बोल सकते हैं आप नीचे आ रहा है ओके ठीक है नीचे आ रहा है अभी टी निकाल सकते हैं आप इसका डायरेक्टली टी निकाल सकते हैं टी कैसे निकालेंगे अपन टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर से अपन निकाल सकते हैं टी इज इक्वल टू वाई सो टी इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर यानी Tx is equals to what? 160.02 square plus Ty minus 159.91 iska square. What is T? लेकिन ये जिस तरह यहां पे देखे उस तरह नहीं रहेगा ये किस तरह रहेगा फिर इसका डायरेक्शन एक नीचे आ रहा एक्स टी एक्स इस तरह है तो टी वाई इस तरह है तो ये यहां पे कुछ देर में रहेगा टी इट इज द ओरिजिनल व्हाट इज टी गाइस 170.80 नियर अबाउटली 160 सो 170 220 226.224 That is Newton. Okay.
तुम्ही हे ब्रॅकेट नाही घेतलेलं 159 ये ब्रैकेट नहीं लिया है तुमने इसीलिए तुम्हारा कुछ गलत आंसर आया 160 स्क्वायर भी आप बोल सकते हो ओके तो मैंने डायरेक्टली 160 ही लिखा है दोनों को तो अभी ये 160 है तो 100% दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज अगेन 45 डिग्री सर पे 22 है सर 25 है क्या 226.22 आंसर आया मुझे ठीक है टीचा आंसर काय म्हणताय तू 226.22 आहे हो ठीक आहे ना 2225 इट्स ओके ना नो इश्यू थीटा 2 आणि थीटा 2 थीटा 1 तो हो गया थीटा 2 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टैन इनवर्स अपोजिट क्या है ये वाला 160 एडजेसेंट भी क्या है 160 यानी टैन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 इसलिए मैंने डायरेक्टली 45 लिख लिया ओके गाइस होमवर्क क्वेश्चन आपको एक सर एक्स डिस्टेंस काढावा लागेल ना सर हाँ एक्स डिस्टेंस काढायचा एक्स डिस्टेंस काढायसाठी काय करावं लागेल तुला मोमेंट घ्यायला कसा घेशील अबाउट ओ ओ वरती कॅन आय इरेज दिस हां सर अबाउट ओ पे लिया तो भी चलेगा और दूसरी जगह लिया तो भी चलेगा लेकिन ओ पे ही लो ओ पे लेंगे तो पता चलेगा इट इज इन माइनस -160 taking moment about o is equals to taking moment about r at o ye force at o a r at o so taking moment about o guys taking moment about o so kya rahega o se agar main moment le raha to dekho mera kon kon aayega abhi ye mera 200 aayega ये तो मेरा P1 जो है वो जीरो हो जाएगा टोटली क्योंकि O से ही ओरिजिनेट होगा TX भी जीरो हो जाएगा TY रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू X ओके और ये मेरा P रहेगा और मेरा R भी आएगा R के मेरे दोनों कंपोनेंट्स आएंगे X का कंपोनेंट भी आएगा और Y का कंपोनेंट भी आएगा X के कंपोनेंट के लिए मेरा कितना रहेगा X कंपोनेंट के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 है और Y के कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है 3 है 1 1 1 3 ओके सो देखो क्या क्या आएगा देखते हैं पहला ये डिस्टेंस देखते हैं ये डिस्टेंस कितना है 1 1 1 1 4 यानी 200 इंटू 4 अब 200 इंटू 4 कैसे लिया मैंने 200 मेरा किस तरह आ रहा क्लॉकवाइज आ रहा दैट्स व्हाई पॉजिटिव ये भी किस तरह उसे अगर देख रहे तो मेरा क्लॉकवाइज आ रहा दैट्स व्हाई अगेन पॉजिटिव प्लस 200 इंटू 2 प्लस P1 इंटू 0 P1 इंटू 0 ये जो मेरा ये P1 है P इज इक्वल टू 200 तो इज इक्वल टू 0 प्लस RX अगर मैं देखता अभी RX का मेरा कितना डिस्टेंस है यहां से RX नहीं रहेगा RX अपना मोमेंट R के लिए रहेगा तो दैट इज TX इंटू 0 रहेगा प्लस TX इंटू 0 प्लस TY TY कितना है मेरा -160 माइनस यानी नीचे अब ये माइनस यानी नीचे है तो ये इस तरह नहीं है तो मैं इसको इस तरह यहां पे बना सकता दैट इज 160 तो ये 160 है नीचे है तो ये -160 आप नहीं लोगे वहां पे क्या लोगे आप 160 नीचे डाउनवर्ड लोगे तो डाउनवर्ड अगर आप देख रहे तो क्या हो रहा क्लॉकवाइज हो रहा क्या हो रहा क्लॉकवाइज जा रहा आपने अगर -160 लिया तो वो क्या दिख रहा आपका अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज माइनस इंटू माइनस प्लस वैसे भी काफ कर सकते यानी अगर आपने ओ से यहाँ पे मोमेंट लिया तो वो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा गाइस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस गेट पॉजिटिव
ओके तो उससे अच्छा आप क्या करो कि उसको डाउनवर्ड शो कर दो और फिर आप डाउनवर्ड शो करके जो वैल्यू है वही वैल्यू लिखो 160 वैल्यू लिख ली मैंने तो वो क्या आ रही भरी क्लॉकवाइज आ रही सो दैट्स व्हाई क्लॉकवाइज 160 इनटू हाउ मच डिस्टेंस डिस्टेंस ही निकालना है आपको एक्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आरएक्स इज इक्वल्स टू 480.02 नहीं भी लिखा तो भी चलता 480 इनटू हाउ मच डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है गाइस 2 मीटर है ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है और किस तरह जा रहा ओ से किस तरह जा रहा क्लॉकवाइज घुमा रहा और ओ से ये भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा 199 प्लस आर वाय इंटू 199.91 इंटू 3 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी 2.25 मीटर 2.25 मीटर फ्रॉम ओ यानी अंदर है यानी क्या है अंदर है तो आप फाइनल फोर्सेस अगर आप देखना चाहते हो तो फाइनल डायग्राम आपकी कैसी दिखेंगी वो अगर आपको दिखाना है तो आप वो भी आप दिखा सकते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं 200 into 2 इथून निघताय म्हणून म्हणून मी पी वन इंटू झिरो केला अजून 200 म्हणजे हे होईल बा कन्फ्युजन होईल म्हणून त्याला पी वन इंटू झिरो कारण की तो ओरिजिनल कुठून येत आहे ओ वरून येत आहे कारण त्याला झिरो त्याचे कंपोनंट झिरो राहील ओके अजून काही डाऊट आहे का सेकंड इयर पीपल्स प्लीज आस्क मी योर डाऊट्स अगर आपको यहाँ पे कुछ डाऊट्स होंगे तो पूछो प्लीज एनी डाउट गाइस कपल कैसे लिया मोमेंट्स कैसे लिए तो मोमेंट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप करते जाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बनाते जाओ तो आपको समझेगा ओके नहीं तो दिक्कत जाएंगे दैट इज 200 न्यूटन दैट इज 1 मीटर और ये 2.25 मीटर यानी कहीं तो भी यहां पे है 2.25 मीटर तो 2.25 मीटर पे टी मेरा इधर कहीं तो भी एक्ट हो रहा टी इज इक्वल टू 226.22 न्यूटन कहां से 45 डिग्री पे ओके आर मेरा यहां पे आर है आर इज इक्वल टू 520 न्यूटन यहां से मेरा थीटा है इसके लिए आर के लिए 22.61 तो ये मुझे एक्स ही चाहिए था तो ये जो मेरा एक्स है एक्स इज इक्वल टू 2.25 मीटर टी के लिए ओके द नेक्स्ट डी इज यहां पे 200 और यहां पे इट इज योर पी वन इट इज इक्वल टू 200 और वो ओरिजिनेट हो रहा है आपके ओ से ओके तो ये आपके फाइनल फोर्स डायग्राम हो गई गाइस दैट इज योर फाइनल फोर्स डायग्राम आप फाइनल फोर्स डायग्राम भी निकाल के शो कर सकते हैं कि टी कहां पे एक्ट हो रहा टी यहां पे एक्ट हो रहा एक्स एक्सिस पे एक्ट हो रहा ये आपकी एक्स एक्सिस है लेकिन लेकिन इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस टू द 45 डिग्री और ओ से 2.25 मीटर पे एक्ट हो रहा ओ से 2.25 मीटर पे एक्ट हो रहा ओके होमवर्क गाइस होमवर्क वन मिनट
ओके, एक ही पेपर है आपके पास, है ना? वो एक पेपर में ये भी सॉल्व नहीं है, नो इश्यूज। वन मिनट गाइस, मैं आपको ग्रुप पे भेज देता होमवर्क। ओके, मैं गेट के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है उसमें से और ईएससी के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है उसमें से मैं आपको ग्रुप पे भेज देता होमवर्क क्या है करके। ओके ओके हाँ, और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी मैं देख लेता कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी क्या क्या आ रहे हैं क्या क्या नहीं आ रहे। तो जनरली कोलिशन के ही मुझे दिख रहे हैं अभी के अभी जो भी मैं देख रहा, तो वो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। अभी कपल है, कपल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ओके सो वो देखेंगे, वो भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स के इसके मैं कुछ 3-4 आपको होमवर्क्स भेज दूंगा। इट इज टोटली फॉर यूनिवर्सिटी पीपल्स, लाइक सेकंड ईयर पीपल्स के लिए रहेगा। थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर इट इज ऑप्शनल, आपको छुड़ाने हैं तो छुड़ाओ, नहीं तो मत छुड़ाओ। कंसेप्ट बिल्ट होने का जरूरी था, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइस, कल मिलते फिर। कल नहीं मिलते सर, कल हॉलीडे है। हाँ बोलो सर, सेकंड ईयर वाले अपना मुझे